यूपी में अखिलेश यादव के विरोधी अपराध को लेकर चुनाव मैदान में लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच सुल्तानपुर से एक ऐसी खबर आई है जो अखिलेश के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली है। यूपी में अपने जिस उम्मीदवार के लिए सभा करके बाकायदा अखिलेश ने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, उसी विधायक पर लगे हैं गंभीर आरोप। सुल्तानपुर में उस लड़की का शव मिला है जिसने 4 साल पहले विधायक अरुण वर्मा समेत 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। चुनाव लड़ रहे एसपी के इस विधायक पर एक लड़की ने 4 साल पहले लगाए थे गैंगरेप के आरोप। उसी लड़की का शव घर के पास इस पंचायत भवन के पीछे मिला। पिता के मुताबिक घटना से पहले घर के सामने से गुजरने वाले रास्ते से गुजरा था विधायक का काफिला, लेकिन विधायक के मुताबिक ये सब राजनीतिक साजिश है। विवाद तो ऐसे सर कुछ नहीं, वही जो मुकदमा हमारा चल रहा है 7-8 लोग के बीच में, उसके बाद मतलब कई लोगों से ये आया सुलह सपाट के लिए, लेकिन उसपे हम नहीं सहमत हुए थे। गाड़ी इधर से तो मतलब 8 बजे गाड़ी उनकी गई, 2-3 गाड़ी थी। विधायक की गाड़ी गई तब आपकी लड़की खो चुकी थी? मतलब लड़की हमारी घर में तब नहीं थी, तहरीर तो कल हम देंगे ही। तो अगर रास्ता है तो उधर से चुनाव है तो आदमी आता है जाएगा ही। ऐसे समय में हो रहा है ये मेरे साथ साजिश, जब चुनाव 10 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आप सब जानते हो राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा क्या हो सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए और इसमें जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसमें जो भी दोष है सजा मिलनी चाहिए। शुरुआती जांच के मुताबिक सुल्तानपुर के जयसिंहपुर इलाके के गांव चोरमा में प्रिया और रोशनी सिंह की गला दबाकर हत्या की गई। प्रथम दृष्टया लड़की की गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। उसका कॉज ऑफ डेथ, असली कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद ही जान पाएंगे। हर तरीके से कारणों की छानबीन गहराई से की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही उसका खुलासा हो जाएगा। सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रिया की हत्या में विधायक का हाथ है? क्या सुलह का दबाव न मानने की सजा दी गई? और क्या विधायक के दावे महज एक नाटक भर हैं? प्रिया के गुनहगार को कानून के कटघरे तक पहुंचाने के लिए सबूत अब भी है, लेकिन शुरू से पुलिस ने जांच ठीक से की होती तो शायद आज ये नौबत ना आती। 2013 में विधायक समेत कुल 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। पुलिस की जांच में 3 लोगों को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन आने वाली 21 तारीख को इसी केस की सुनवाई थी और 2 महीने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश पर मिली सुरक्षा भी हट गई थी। ऐसे में शक की सुई वापस विधायक की ओर जा रही है। तो अपने इस विधायक पर अखिलेश यादव क्या कहेंगे देखना होगा।